11 साला बिस्मा की जान लेने वाला, हवाई फायरिंग करने वाला, पुलिस की हिरासत में और 19 साल सैफ की उम्र है। सैफ और साथ दुल्हा भी हमारे साथ मौजूद है। सैफ आपका नाम है जी। सैफ बारात में जब जाते हैं हवाई फायरिंग करते हैं, हवाई फायरिंग की थी आपने जी? कितने बुलेट्स फायर की थी? दो। दो, तो जो लड़की है वो तो इस साइड पे थी, हवा तो ऊपर है, आपने इस साइड पे फायर किया या क्या हुआ? नहीं, वो सामने नहीं थी पहले। अच्छा, बाद में आई है। अच्छा, बाद में आई है, मतलब आप वैसे अंधाधुन फायर कर रहे थे? नहीं नहीं। अच्छा, तो आप असला लेके आए, ये बात सुल्तान को पता है, दूल्हे को? नहीं। इसने आपको रोका होगा जी? रोका था सुल्तान ने जी। क्या कहा था? कि ना करो यार। अच्छा, तो क्या करते, क्या है आप? सेंट्री का काम। सेंट्री का काम, तो आपको पता है कि हवाई फायरिंग करना जुर्म है जी, तो फिर आप फायर क्यों कर रहे थे? आपने कानून की खिलाफ वर्जी की ना, और आप वो बच्ची की जान ले गए, और वो बच्ची भी एक माजूर वालदा की बेटी, उसी इलाके में रहते हैं जी। तो पूरी बात करें ना, आप अब जीजी सिर्फ कर रहे हैं, बड़े ताबेदार बन रहे हैं, कानून की खिलाफ वर्जी की आपने जी, जी। कहाँ से लाए थे पिस्टल? मेरा अपना था। कब से लिया हुआ? तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल से पिस्टल आपके पास है? इससे पहले भी फायर वगैरह की है? नहीं। कहाँ से लिया था? ये मुझे मिला था। कहाँ से? नहर से। नहर से आपको पिस्टल मिला था जी? घर ले गए जी, उसको चला के चेक किया, बुलेट्स वगैरह कहाँ से ली फिर बाद में, या उसके अंदर थी? नहीं, वो तो बाद में किसी शादी पे गए थे, वहाँ से 2 ली थी। 2 बुलेट्स ली थी जी, और वो सुल्तान की शादी के लिए ली थी जी, कि सुल्तान की शादी पे 2 बुलेट फायर करेंगे जी। क्या मतलब फील होता है, बंदा फायरिंग करता हो तो क्या वो जागीरदार लगता है, बड़ा लगता है, उसके कद में कोई इजाफा हो जाता है, उसकी इज्जत में कोई इजाफा हो जाता है? नहीं। तो फिर क्या सोच के आपने फायर किया? बस यूं। नहीं, यूं ही तो कोई नहीं करता ना, मतलब सब लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, डांस वगैरह कर रहे हैं, बाजे शाजे बैंड शैंड बज रहा है, तो आपके पास वो पिस्टल था तो आपने क्या सोच के फायर किया उसका? क्या साबित क्या करना चाहते थे? कुछ नहीं। बिस्मा को पहले देखा था आप उसी जगह पे रहते थे जी? पहले कभी देखा होगा, बट अभी बाद में नहीं देखा। पहले यार, पहले देखा है, उसी मोहल्ले में रहते हैं जी। अच्छा, तो कोई किसी और दोस्त के पास भी पिस्टल वगैरह होते हैं आपके? नहीं। अच्छा, सुल्तान से कब से दोस्ती आप? मोहल्लेदार है। मोहल्लेदार है, तो फिर तो काफ़ी गहरी दोस्ती होगी। इसको बताया था आपने कि मैं पिस्टल लेके आऊँगा शादी पे? नहीं। आपने उसकी शादी का भी बेड़ा गर्क कर दिया? उसकी शादी बारात चली गई थी जी, रुखसती भी हो गई थी जी। अच्छा, तो आपने उसकी नई नवेली शादी हुई है तो आपने उसको भी हथकड़ियाँ पहना दी, आपकी वजह से हुआ ना सारा जी? शर्मिंदगी है कोई जी? क्या जी, जी से तो कुछ नहीं लग रहा, ऊंचा बोलो ना आप। जो आप उस वक्त जैसे फायरिंग कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, डांस वांस करके साथ? नहीं, डांस वांस नहीं, बस फायर करने आए थे आप। अच्छा, आप जब फायरिंग करते हैं तो आपको पता है कि किसी को भी गोली लग सकती है जी? पता है। पता है, तो फिर आप वहाँ पे फायरिंग करने के लिए पहुँच गए, ये पता है कि पुलिस पकड़ लेती है फायरिंग करने के लिए, हवाई फायर करेगा? बोले ना, बात क्यों नहीं कर रहे? हैं, पता है। पता है, तो अब कैसा महसूस हो रहा है? आप कातिल हैं, आपने एक बच्ची की जान ली है। सुल्तान आप हैं जी? अच्छा, सुल्तान आपकी शादी थी, क्या काम करते हैं? मैं किंची रिक्शा चलाता। रिक्शा चलाते हैं आप? जो बिस्मा के वालदैन उनको जानते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, आना जाना है? नहीं, सलाम दुआ है। सलाम दुआ है। तो ये क्या, ये पिस्टल आपकी शादी में लेके आया? मुझे नहीं पता कहाँ से लेके आया, मैंने तो बुलाया भी नहीं इसको शादी पे। शादी पे आपने नहीं बुलाया? नहीं बुलाया। पूछो भाई, नहीं बुलाया इसने? इसके भाई ने बुलाया। इसके भाई ने बुलाया था? इसके भाई के साथ दोस्ती आपकी है इसके साथ? इसके भाई, इसके भाई के साथ, आपके भाई के साथ दोस्ती है उसकी? तो भाई ने आपको बताया नहीं कि बुलाया? चलें, ये आ गया। इसने पहले कभी फायरिंग नहीं की वहाँ पे? नहीं, कभी कभी नहीं की, ये पहली दफ़ा था इसका। तो आपने इसको रोका, आपने पिस्टल को देखा इसके पास? 3 मरतबा। 3 मरतबा आपने इसको रोका जी? अच्छा, क्या कहा? यार बाज आ गया सैफ, अक्सर लगाना दी गोली, फिर गोली इसके लग गई किसी उसका? नहीं, जब इसने फायर किया, पहला फायर किया, बकौल इसके 2 गोलियां चली हैं, पुलिस भी यही कह रही कि 2 चली हैं, तफ्तीश में भी ये बात आई। पहली गोली के बाद आपको धड़का लगा कुछ हो ना जाए, इसको रोका आपने? हाँ जी, रोका।
उस वक्त आप कहाँ पे थे? कार में बैठा हुआ था। कार में आपने उतर के रोका इसे? ऐसे बाहर दरवाजा खोल के ना रोका इसको, ठीक है, ये नहीं बाज। अच्छा, ये बाज नहीं आया, इसको रोका आपने जी। अच्छा, ये बताएं कि जब ये आया शादी में तो किसी को नहीं पता था कि इसके पास पिस्टल है? नहीं, किसी को नहीं पता था। जब पहला फायर हुआ तो उसके बाद आपने इसको रोका जी, इसने फिर दूसरा फायर किया जी। कितने वक्फे से आपने दूसरा फायर किया? उसी टाइम इनके रोक, आपके रोकने से पहले इसने फायर कर दिया? हाँ जी। अच्छा, फिर आपको कैसे पता चला कि बच्ची को लग गई है? इन्होंने बताया बच्ची भी होश हो गई है। अच्छा, बच्ची भी होश हो गई है। हाँ जी। अच्छा, इन्होंने किसी ने बताया जब पता चला, ठीक है, कि बच्ची बेहोश हो गई है। तो बच्ची बेहोश हुई है तो उसके बाद बच्ची को लेके गए अस्पताल, फिर पता चला कि डेथ हो गई। हाँ जी। पहले भी कभी लड़ाई वगैरह होती रहती वहाँ पे? नहीं, हमारी कभी नहीं। असला या तो तहफ़ के लिए रखा जाता है, या किसी को मारने के लिए, या शेखी बखेरने के लिए? नहीं, वो लड़ाई कभी नहीं। अच्छा, कभी नहीं हुई, ठीक है। आप किसी सियासी जमात से भी हैं वहाँ पे, पॉलिटिकल वर्कर भी हैं? वो तो वैसे तस्वीर दी। अच्छा, वैसे ही तस्वीर दी है। शौक है आपको सामने आने का? नहीं, वैसे ही उन्होंने तस्वीर मांगी, हमने दे दी। अच्छा, वैसे ही तस्वीर मांगी, दे दी, ठीक है। कोई अच्छे काम भी करते हैं आप? जी, काम करते हैं। क्या काम करते हैं आप? सेंट्री का काम करते हैं जी। तो शाम को आके आपने, जिस दिन इनकी बारात थी उस दिन आप घर आए और घर से आपने पिस्टल उठाया जी। घर वालों को पता है कि आपके पास पिस्टल है? नहीं, घर वालों को नहीं। घर वालों को नहीं पता कि आपके पास पिस्टल होता है? अच्छा, घर वालों से आपने छुपा के रख दिया पिस्टल जी। जब आपको नहर पे, कहाँ से मिला था पिस्टल? स्काईलैंड से। कितने अरसे पहले? 2 साल पहले जी। आपने वो, आप वो पिस्टल घर ले आए जी और घर ला के रख लिया जी। मतलब पिस्टल भी लाइसेंस नहीं है जो आपके पास। नंबर एक, आपको ये पता है कि आपके पास अगर नाजायज असला है, लाइसेंस आपका नहीं है, तो वो भी जुर्म है। एक जुर्म हो गया आपका, 2 साल आपने रखा। दूसरा जुर्म आपका हवाई फायरिंग आपने की, और तीसरा आपका ये हो गया जो आपने बच्ची की जान दे दी। ये मुलजमान है और ये सुल्तान, जिसका दुल्हा, जो दुल्हा बना था, जिसकी शादी थी, और इसको बकौल इसके भाई ने इसको बुलाया। और ये सैफ है जिसकी उम्र 19 साल है, और 19 साल के बच्चे के पास असला है और घर वालों को पता नहीं है, वालदैन बेखबर है। और ये पहली दफ़ा इसके बकौल के ये असला लेके वहाँ पे पहुँचा सुल्तान की शादी में, और वहीं पे इसने फायर किया जिसकी वजह से उस बच्ची को लग गई। हवाई फायरिंग की इसने, 2 बुलेट्स इसने चलाई, पहली के बाद, दूसरी जब चली तो उसके बाद बिस्मा को लगी। बिस्मा के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। आप वालिद हैं बिस्मा के? सर जी, जो मैं कंप्यूटर साहब मैंने काम तो सुनिया गया, क्योंकि ये घरों मैं आए नू 1/2 घंटा होया सीगा। मैं आन के करखाना खोलिया, मालक ने मैंने फोन किया, कहना करखाना खोल, दुकानदार आ रहे काम देखने वास्ते। मैं सुबह गया, मैं करखाना खोलिया, 1/2 घंटा होया, मैं काम से जाना 11-12 बजे ना, 1/2 घंटा आया, पौने एक दे दरमियान जरा ना मसला बनिया, मगर मेरा बच्चा आया है। मैं ये रोटी खोलन लगा, जी मेरी बेटी ने मेरी रोटी बन के मेरे नाल कलाई सी, मैं रोटी खोलन लगा, तो सर जी वो मुंडा मेरा रोंदा रोंदा आया, कहना भैन पौत हो गया, उन्होंने किसी ने गोली मारती। मैं उतो नंगे पैर दौड़िया, मैं चिकट चिटक पिया सर जी गली के, मैं उतो फिर घर गया, जाके देखा तो मेरा भाई इन्हें हथा के उत्ते चुकी तो बाजार से खलोता गड्डी का इंतजार कर रहा है, अस्पताल लैके चला गया। मैंने वो तो दिल का मसला बन गया। मैं साहब, कितनी बुलेट्स फायर हुई? 2 बुलेट्स। तो ये बताएं कि जब बच्ची मौके पर जमा हो गई थी या पहले जख्मी थी? पहले जख्मी थी, पहले से कुर्की हॉस्पिटल लेकर गए हैं, उसके बाद जनरल हॉस्पिटल जाकर। तो अब तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? तफ्तीश अभी तो हमें शुरू की है। हाँ, अभी मुलजम पकड़ेंगे, बाद में देखेंगे। अच्छा, ये बताएं कि असला रिकवर कर लिया? हाँ जी, असला रिकवर कर लिया। कर लिया, ठीक है। तो इस किस्म के लोग सर क्यों मतलब फायरिंग करते हुए सोचते नहीं है कि किसी को लग ना जाए? शौक में फायरिंग किया। सिर्फ एक शौक जो है वो बच्ची की जान ले गया, और उस शख्स के लिए कुछ भी नहीं कि जो हवाई फायर करता है या इस किस्म के हरकतों सकनात में मुलविस होता है या इस किस्म का इकदाम करता है। हमारे मुआशरे में खुशी को मनाते हुए हम ये ख्याल नहीं करते कि वो हमारी खुशी या हमारे सेलिब्रेट करना किसी दूसरे शख्स के लिए कितना तकलीफ दे अमर है। नाज़रीन, पुलिस अपना काम कर रही है और कैंट डिवीज़न में खुसूसन पुलिस की कामयाब कार्रवाइयाँ भी हैं, और इकदाम भी ऐसे किए जा रहे हैं कि जो क्राइम रेशो है वो दूसरी डिवीज़न से काफ़ी हद तक कम भी हो चुकी है।
خصوصاً بسمہ کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہوائی فائرنگ کرنے کے بعد ملزمان پولیس کی گرفت میں ہیں اور اس وقت ان کی تفتیش جاری ہے. اس پر بات کریں گے. ایس پی کینٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ نواز صاحب السلام علیکم سر. سر یہ بتائیے گا بسمہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے. میں بات سٹارٹ کرتا ہوں خصوصاً اس لڑکے کی غلطی ہے. 19 سالہ لڑکا ہے جس کے پاس پسٹل بھی آ گیا اور اس کے بعد اسے والدین بھی بے خبر ہیں. آپ یہ بتائیے گا اسلحے تک رسائی اور اس کے بعد اس کو چھپا کے رکھنا اور پھر ہوائی فائرنگ کرنا یہ کتنا سنگین جرم ہے؟ جی طارق یہ بہت بڑا ہی سنگین جرم ہے. اس کی وجہ سے اکثر جو ہے معصوم لوگ راہگیر لوگ جن کا کوئی نہ تو فنکشن سے کوئی لینا دینا ہوتا ہے نہ ان پارٹیز سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا ہوتا ہے وہی لوگ اکثر اس میں جو ہے وہ مارے جاتے ہیں زخمی ہوتے ہیں. یہ اس پہ پولیس بھی بڑی جو ہے وہ کاروائیاں کرتی ہے. اکثر تو دولہے کے والدین کو بھی اٹھایا جاتا ہے. لیکن یہ والا جو کلچر ہے ہوائی فائرنگ والا کلچر یہ کم تو ہوا ہے لیکن بالکل ختم اس طرح نہیں ہوا. اس حوالے سے ابھی میرے ایک تھانہ مناوا میں اس طرح کا وقوع ہوا. چھوٹی 8 سالہ بچی بسمہ وہ قتل ہو گئی. ایک ملزم ہم نے پکڑا ہوا ہے آپ کے سامنے ابھی پیش بھی کیا تھا. وہ اس کا جب ہم نے چیک کیا تو وہ کسی پارٹی کا ورکر بھی تھا. تو اس طرح کے جو بچے ہیں وہ مطلب پارٹی کے جب فنکشنز ہوتے ہیں پارٹی جب جیتتی ہے تب بھی یہ ہوائی فائرنگ کرتے رہتے ہیں. اس طرح کے فنکشنز میں بھی کر لیتے ہیں. تو اس بچی کے اس کیس میں بھی وہ سیف جو ہے اس کے پاس ایک پسٹل تھا جو کہ لائسنس بھی نہیں ہے. اس کے پاس یہ لائسنس پسٹل تھا. 19 سال اس کی ایج ہے. اس نے جو ہے وہ غیر لائسنس شدہ جو ہے ایک پسٹل رکھا ہوا ہے. تو اٹ از انفارچونیٹ. اچھا سر یہ بھی اس علاقے میں بتا رہے ہیں ہریانہ علاقہ کہ پہلا واقعہ ہے فائرنگ کا. ہوائی فائرنگ نہیں ہوتی تھی اور اسی واقعے میں بسمہ کی جان چلی گئی. تو بسمہ کے قتل کے بعد خصوصاً کوئی پولیس کو ایسی اسٹریٹجی بھی اپنانی چاہیے اور اس کے علاوہ دیگر مکاتب فکر کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے تاکہ لوگ شیخی بگاڑنے کے لیے یا پھر خود نمائی کے لیے اس قسم کا کام کرتے ہیں؟ جی بالکل. یہ سارا ہے تو خود نمائی. اس میں سب سے جو اہم رول ہے میرے خیال میں وہ سول سوسائٹی پلے کر سکتی ہے. جیسے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں تو اس سے ایک اویئرنیس جو ہے وہ آ سکتی ہے لوگوں میں کہ جی یہ ایک غلط کھیل ہے, اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے نہ کہ انکریج کرنا چاہیے. اس کے کیا نقصانات ہیں, وہ جو نقصانات ہیں وہ اسی طرح جس طرح آپ جو ہے یہ پورٹری کر رہے ہیں سوسائٹی کو میرے خیال میں اسی طرح کرنے چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ینگسٹرز ہیں ہمارے ان میں بھی اس طرح کے جو ہے وہ ایک اویئرنیس کیمپینس چلانی چاہیے کہ جی یہ غلط چیز ہے, اس خود نمائی کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اچھا اس معاملے میں اس کیس میں جو اس کی اہل و عیال ہیں خصوصاً والدین ہیں ان کا اور کوئی شکوہ نہیں ہے پولیس سے بلکہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بر وقت کارروائی کی. لیکن شکوہ جو ایک سامنے آتا ہے وہ بھی آپریشن ڈوین کی جانب سے آتا ہے کہ ایف آئی آر کی پہلے 324 کی جبکہ بچی کی موقع پر ڈیتھ ہو چکی تھی. تو کیا وہ کنفرمیشن کے لیے ہوتی کہ ڈیتھ کے بعد اس کو کنورٹ کر دیں ہم دفعات کو 302 میں بدل دیا جائے؟ اس کیس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچی پہلے زخمی تھی, یہ ہاسپٹل پہنچی ہے. آئی ڈونٹ نو ہاسپٹل کی اب رپورٹ کیا ریسیوڈ از ڈیڈ ہے یا نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپریشن والوں کے نوٹس میں آیا تو انہوں نے فوراً ہی پرچہ دے دیا. وہ میرے خیال میں کوئی آدھے گھنٹے کے اندر وہ پرچہ ہو گیا. جب کنفرم ہو جائے تو اس کے بعد نہیں, انسیڈنٹ ہی جیسے کنفرم ہوا کہ جی بچی کو فائر لگایا تو انہوں نے فوراً پرچہ دے دیا. اور وہ پرچہ بھی ہوا آپ کے مدعی کی اپلیکیشن پہ. جو وہ اب اگر مدعی اپلیکیشن میں یہ کہتا ہے کہ جی میری بچی زخمی ہوئی ہے تو 324 لگے گا. اس میں پولیس کے کہیں پہ بھی کوئی میلافائیڈی نیگلیجنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہوائی فائرنگ کی وجہ سے بسمہ جان سے گئی. ملزمان پولیس کی حراست میں ہیں اور تفتیش جاری ہے. اسلحہ بھی ریکور کیا جا چکا ہے. پولیس اپنا کام کر رہی ہے لیکن کیا معاشرہ اپنا کام کر رہا ہے اور کیا ہم لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہوائی فائرنگ سے دور ہیں یا نہیں؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری اپنا کام کرتے نظر آتے ہیں لیکن ہوائی فائرنگ کرنے والا وہ شخص جس نے بسمہ کی جان لی اور 19 سالہ وہ لڑکا کہ جو کسی کا پسٹل اٹھا کر ہوائی فائرنگ کرتا پایا گیا اور بسمہ کی جان لے گیا, اس کو قرار واقعی سزا ملنی ہی چاہیے. جرم انجام کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان طارق حفیظ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.